अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हैदरान वाली कस्टडी प्रॉपर्टी से आज हम आपको एक टॉप नॉच, टॉप ग्रेड, एक्सीलेंट और सुपर फिनिशिंग वाला घर हम आपको विजिट करने लगे हैं। इस घर की लोकेशन स्नोबर सिटी अडियाला रोड रावलपिंडी में है और इस घर की डिमांड भी बहुत मुनासिब है और हम आपको इस घर की डिमांड इस वीडियो के एंड पर बताएंगे। इस घर की फ्रंट एलिवेशन है, अगर आप इसकी फ्रंट एलिवेशन को देखें तो इसमें मार्बल का यूज़ किया गया है, वेदर शील्ड और इसके अलावा ग्राफिक का भी यूज़ हुआ है। तो आगे भी हम आपको इस घर के अंदर से विजिट कराते हैं। ये इस घर की मेन एंट्रेंस है। जैसे हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो ये सामने इसके आपको इसका ये गैरेज नज़र आता है, जिसमें एक बड़ी सेडान और एक स्मॉल जगार है, आराम से आपकी ईजली पार्क हो सकती है। साइड पर इसके ये मोटर का एक सेटअप लगा हुआ है और इसके लॉटरी की भी स्पेस है। अभी अब जैसे आप ये गैरेज के अंदर एंटर होते हैं तो ये आपको व्यू मिलता है। ये आप इसका ये देखें, ये आपका शेंटलियर और ये इसकी फॉल सीलिंग, ब्राउन कलर की फॉल सीलिंग आपको नजर आएगी, ब्राउन और वाइट, और साथ इसके ये एलईडी लाइट्स भी इस गैरेज में यूज़ हुए हैं। अब इसका शैंडलियर देखें, इसका कस्टमाइज शैंडलियर भी इन्होंने इसमें लगाया है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसकी मेन एंट्रेंस की बात करें तो इसमें डुअल एंट्रेंस आपको मिलती है। ये राइट साइड पर इसके ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है और सामने इसकी ये टीवी लॉन्स की एंट्रेंस है। ये ह्यूज डोर आपको मिलते हैं जिसमें आपको ये डिज़ाइनर आपको डोर्स भी मिलेंगे। तो आइए भी हम आपको घर का अंदर से विजिट कराते हैं। ये इस घर की मेन एंट्रेंस है। जैसे आप अंदर एंटर हों तो ये आपको व्यू मिलता है। इसमें शैंडलियर आप चेक करें, इस तरह के डिज़ाइनर हाउस आपको, मेरा नहीं ख्याल है अडियाला रोड पर फर्स्ट टाइम इस तरह का डिज़ाइनर हाउस चेक कर रहा हूँ। इसके जो ओनर है वो आउट ऑफ कंट्री से आए, तो यह कि उन्होंने स्पेशली इस घर की एक एक चीज़ का इन्होंने ख्याल रखा है और स्पेशली उन्होंने इंश्योर किया कि इसमें हाई क्वालिटी मटेरियल इस घर में लगे। सिर्फ इस घर की अगर आप शैंडलियर्स की बात करें, इसमें इलेक्ट्रिक आप फैंस की बात करें, स्विचेस की बात करें, तो हर चीज़ आपको कस्टमाइजेबल और बहुत ही सिलेक्टिव आपको मिलेगी। ये सामने आपको इसका ये किचन है, अगर आप किचन की बात करें तो ये बहुत ही इसमें आपको ये शाइनी और ग्लॉसी आपको इसमें शीट्स में ये किचन आपको मिलता है। ब्राउन और वाइट कलर के थीम में ये आपको किचन मिलता है, जिसमें आपको ये सामने देख लें, इसमें काउंटर टॉप है, मार्बल का काउंटर टॉप मिलेगा। ये हॉब है, साथ ही इसका हुड है एग्जॉस्ट, और साथ ही इसके किचन में एक आपको विंडो भी मिलती है फॉर वेंटिलेशन पर्पस, और साथ ही इसके ये वॉश बेसन भी है। चेक करें, ज़बरदस्त। इस तरह की फिनिशिंग आपको अडियाला रोड पर किसी घर में नहीं मिलेगी। मैंने भी बड़े घर यहाँ विजिट कराए हैं और लेकिन इस तरह की फिनिशिंग आपको नहीं मिलेगी। ये पूरा घर है, ये सारा घर, इसमें आपको फॉल सीलिंग मिलेगी। अच्छा, इस घर के अगर डोर्स की बात करें तो डोर्स भी ये कस्टमाइजेबल डोर्स हैं। ये देखें, ये इसमें जो डोर्स हैं ये इन्होंने स्पेशली इसमें इन्होंने ये काम करवाया हुआ है इसके ऊपर। और ये इसका बेडरूम वन है, सामने इसका आर्ट वर्क है, साथ उसमें एलईडी लाइट्स भी यूज़ हुई हैं, और ये सामने इसकी ये वार्डरोब्स हैं। इसकी अगर घर की टाइल्स की बात करें तो इस घर में कंप्लीट जो टाइल्स यूज़ हुई हैं वो 2x2 की टाइल्स यूज़ हुई हैं। इसके साथ ही ये इसका अटैच बाथ है। अब ये बाथरूम की आप फिटिंग चेक करें, ये इसका सामने वैनिटी है, सामने इसका वॉश बेसन का एक छोटा सेटअप है, और नीचे इसकी लोअर इसकी कबर्ड है। 7 फीट तक आपको इसमें टाइल्स मिलेंगी और इसमें आपको ये कमोड सीट जो है वो इंडियन स्टाइल में आपको मिलती है। अच्छा, इस बेडरूम के साथ ही आपको इसके बैक साइड पर इसका एक लॉटरी का सेटअप मिलता है। इसकी आप सिर्फ विंडो चेक करें, ये विंडोज़ इसमें दी गई इन्होंने, एल्युमिनियम की विंडोज़ ही हैं। वन साइडेड इसमें जो है वो मिरर भी इसमें है वन शेड का। इसमें इस बेडरूम के साथ, इस विंडो के साथ ये इसकी बैक साइड पर आप एंटर हो सकते हैं। ओहो, इसकी आप देखें हाइट चेक करें, इसको अगर आप ऊपर से कवर कर दें
तो ये आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस ही मिलती है। और या फिर अगर आप इसको वैसे भी, अगर आप लॉन्ड्री नहीं बनाना चाहते हैं, तो वैसे भी एक एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल जाती है कि आप यहाँ बैठ भी सकते हैं, कॉफ़ी प्लेस ही बन सकती है, या एक एक्स्ट्रा सीटिंग स्पेस आपको मिल सकती है। अभी हम आपको इसका बेडरूम नंबर 2 विज़िट करेंगे। तो बेडरूम नंबर 2 से विज़िट करने से पहले मैं आपको इसका ज़रा ये इलेक्ट्रिक इसके जो स्विचिंग, ये आपको चेक कराता हूँ। ये चेक करें इसकी क्वालिटी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी क्वालिटी की इन्होंने इलेक्ट्रिक स्विचेस भी लगाए। ये इसका बेडरूम नंबर 2 है। ये फॉल सीलिंग चेक करें, बहुत ही डिसेंट इन्होंने फॉल सीलिंग इसमें यूज़ की है, डिसेंट कलर्स यूज़ किए हैं, लाइट कलर यूज़ किए हैं। नॉर्मली लोग ये होता है कि डार्क कलर यूज़ करते हैं, तो वो उसमें लुक प्रॉपर नहीं होती है, अट्रैक्टिव नहीं होता है, लेकिन इसमें इन्होंने बहुत ही लाइट कलर के साथ इन्होंने फॉल सीलिंग किया, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये साथ ही इसके इस बेडरूम में आपको ये आर्ट वर्क भी नज़र आएगा दीवार पर, साथ उसके ये एम्बियंट लाइट के यूज़ किया गया, LED लाइट्स भी यूज़ हुई हैं। और ये सामने इसकी ये वार्डरोब्स हैं। अच्छा, वार्डरोब्स जो होते हैं नॉर्मली जो अडयाला रोड पर जो हाउसेज होते हैं वहाँ जो लोग यूज़ करते हैं, वो बस एक इस तरह की वार्डरोब्स होती हैं कि उसमें बस काम पूरा करने की बात करते हैं। लेकिन आप इसकी वार्डरोब्स भी चेक करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी की इसमें वार्डरोब्स इन्होंने लगाई हैं। चेक कराता हूँ, ये देखें इसकी वार्डरोब्स, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी वार्डरोब्स भी लगी हैं। और ये इसका वॉशरूम है, सामने इसका वैनिटी मिरर, सिंक और साथ इसके ये कमोड है। और टाइल्स का कलर देखें, इसमें भी इन्होंने बहुत ही लाइट कलर यूज़ किया टाइल्स का, जो है बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन दे रहा है इसमें। साथ ही एक स्मॉल सी विंडो भी दी गई है फॉर वेंटिलेशन पर्पज़, और ऊपर इसके एग्जॉस्ट फैन भी है। इसमें भी इन्होंने फॉल सीलिंग बनाई है, और खुदा के बंदो वॉशरूम में भी फॉल सीलिंग दे दी है ने, दैट्स इट। और अभी आए हैं, अभी हम आपको इसका ड्राइंग रूम विजिट कराते हैं। ये इसका ड्राइंग रूम है, एक स्मॉल सा ड्राइंग रूम है। वैसे आजकल जो बड़े ड्राइंग रूम में उसकी ज़रूरत नहीं रही है इतना, जो ड्राइंग रूम होता है इसमें आपका 5 सीटर सोफ़ा आराम से आ सकता है, और सेंटर में एक टेबल आ जाएगा, आई थिंक इट्स सफिशेंट। अच्छे से ड्राइंग रूम के साथ इन्होंने एक अच्छी बात की है कि इसके साथ इन्होंने वॉशरूम भी दे दी है फॉर गेस्ट। नॉर्मली गेस्ट आते हैं तो उनको वॉशरूम बाहर होता है, लेकिन इन्होंने इसके साथ ड्राइंग रूम के अंदर ही इसके वॉशरूम दे दिया है। इसमें भी इन्होंने फॉल सीलिंग दी है। और ये चेक करें जी, आप इसका सिंक चेक करें, बेहतरीन क्वालिटी का इसने उन्होंने ये लगाया, साथ इसके वैनिटी मिरर और लाइट्स। और ये इसका मुस्लिम शावर, प्रीमियम क्वालिटी की इसकी सैनिटरी फिटिंग्स इन्होंने इसमें घर में लगाई हैं। अभी हम आपको इसका फर्स्ट फ्लोर विज़िट कराते हैं। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर विज़िट कराने से पहले ये मैं आपको इसका पार्टीशन दिखा दूँ, जो कि ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च के दरमियान ये पार्टीशन है। पार्टीशन चेक करें, ये बहुत ही खूबसूरत इसमें इन्होंने पार्टीशन बनाई है। इस पार्टीशन को अगर आप बिल्कुल सेपरेट करना चाहते हैं तो इसमें ऊपर आप कर्टन्स लगा दें, ये इस वाली जगह पर, तो ये बिल्कुल इसमें ये सेपरेट हो जाएगी पार्टीशन। तो आइए अभी हम आपको इसका फर्स्ट फ्लोर विज़िट कर, अच्छा अभी हम आपको इसकी विज़िट कराते हैं फर्स्ट फ्लोर। ये इसकी स्टेयर्स हैं। इस घर को अगर आप सेपरेट पोर्शन अगर आप इसे रेंट आउट करते हैं ऊपर के पोर्शन को, तो ये है कि इसका जो फर्स्ट फ्लोर है इसकी बिल्कुल सेपरेट एंट्रेंस है। मतलब इसमें 5 मरले घर की एकोमोडेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 7 मरले के घर में आ गया हूँ। और ये इसकी चेक करें, ये फर्स्ट फ्लोर पर जो इसका ये सामने इसकी एंट्रेंस है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त एंट्रेंस है इसकी। इसकी आप फॉल सीलिंग चेक करें, वुड और ब्लैक और वाइट कलर की इसमें फॉल सीलिंग यूज़ हुई है। इसमें डिज़ाइनर शैंटलियर इसमें इन्होंने यूज़ किया है ग्लोब। और ये इसकी 2 एंट्रेसेस हैं, ये डुअल एंट्रेंस मिलती है, जिस तरह नीचे वाले पोर्शन में आपको डुअल एंट्रेंस मिलती थी, एक एंट्रेंस जो सामने इसके ड्राइंग रूम में जाती है, और सामने इसके जो TV लॉन्च की एंट्रेंस है, और साथ ये ऊपर जो है इसका ये छत पर जाने का रास्ता है। तो अभी हम इसके ड्राइंग रूम के एंट्रेंस की तरफ एंटर हो गए।
तो ये बिल्कुल कॉपी है उसकी, जो कि अभी हम ग्राउंड फ्लोर में इसकी ये देख चुके हैं। अभी हम जो सेटअप देखा है हमने, बिल्कुल सेम आर्ट वर्क मिलेगा, सेम पार्टीशन आपको मिलेगी, सेम आपको इसमें फॉल सीलिंग आपको मिलेगी, और साथ ही इसके वॉशरूम भी सेम ही मिलेगा। जो सैनिटरी एसेसरीज हैं ये भी सेम आपको, सेम उसकी कॉपी है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। अच्छा, इस ड्राइंग रूम में ये है कि इसमें आपको ये एक विंडो भी मिलती है, जो काफ़ी ह्यूज विंडो है, ये आप देखें, फॉर वेंटिलेशन पर्पस, और बेहतरीन है। लेकिन इसमें इससे आपको ये भी फ़ायदा है कि इसमें लाइट का इनफ्लो भी ना, आप देखें इसमें लाइट्स इवन फुल ऑन नहीं है, लेकिन लाइट का इनफ्लो बेहतरीन है इसमें। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये इंटर होते हैं तो इसमें ये सामने इसका टीवी लाउंज आ जाता है, और प्लस इसमें किचन बैक साइड पर मेरे, वो भी अभी आपको चेक कराता हूँ। ये भी बिल्कुल कॉपी है उसकी, जो भी हम ग्राउंड फ्लोर पर देख चुके हैं, सेम इसमें शैंडलियर, सामने इसकी मीडिया वॉल है, और ये इसका किचन का सेटअप है, सेम जो ग्राउंड फ्लोर में भी हम किचन का आपको देख कर आए। इसमें जो शीट्स आपको किचन में इसमें नज़र आएंगी, बहुत ही ग्लॉसी और शाइनी आपको इसमें शीट्स नज़र आएंगी, और सामने इसका है टू बेडरूम से, बेडरूम भी इसके विद अटैच बाथ है, सेम जो अभी हम ग्राउंड फ्लोर में देख रहे हैं उसी तरह की फॉल सीलिंग आपको मिलेगी, सेम आपको इसमें वार्डरोब्स मिलेंगी, और सामने इसका वॉशरूम है, और टू बाई टू की टाइल्स यूज़ हुई हैं। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पर जिस तरह की आपको वॉशरूम में जो सैनिटरी एसेसरीज थी, सेम उसी तरह की सैनिटरी एसेसरी इस तरह लगी है। सामने इसका वैनिटी मिरर है, नीचे सिंक है, इंडियन सीट, और साथ इसके ये टाइल्स भी हैं। अभी हम आपको इसका लास्ट बेडरूम विजिट कराते हैं। यार, इस बंदे ने जो फॉल सीलिंग का काम कराया, एन वॉन्स का कराया, बहुत ही ज़बरदस्त फॉल सीलिंग कराई है। अच्छा, इसके जो फैंस हैं वो सूफी के फैंस हैं, ये भी मुझे ओनर बता रहा था कि जो इसमें जो बेस्ट क्वालिटी के जो फैंस हैं वो उसने इसमें फिटिंग कराई है इसकी। ये इसकी विंडो है, अभी ग्राउंड फ्लोर पर जो मैं आपको चेक करा रहा था उसके तो बैक साइड पर लॉन्ड्री कह रही है, लेकिन यहाँ ये ओपन स्पेस है, ये भी एक वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए बेहतरीन है। ये इसका बेडरूम टू का लास्ट इसका वॉशरूम है, जिसमें आपको इंग्लिश सीट मिलती है, सामने वैनिटी मिरर और सिंक वगैरह। अच्छा, इससे ऊपर अगर हम टेरेस पर जाएं तो एक छोटी सी मेमटी है, और साथ ही इसका ये टेरेस है, तो अभी हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं। ये इसका छोटा सा एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है, और छत साथ ही इसका ये आपको ये छत मिलता है, इसका टेरेस है, एक ह्यूज टेरेस आपको मिलता है। इसको अगर आप मेंटेन करें तो ये आप यहाँ आपके शाम को आप यहाँ बैठ सकते हैं, कॉफ़ी प्लेस आपकी बन सकती है, आपको पार्टी सीन हो, आपको फैमिली गैदरिंग हो, ये उस पर्पज़ के लिए बेहतरीन है। और ये व्यू भी आपको मिलता है, व्यू आप चेक करें, हाइटेड व्यू पर ये घर है, टॉप ऑफ द माउंटेन, और ये आप व्यू चेक करें, ये व्यू आपको मिलता है, बेहतरीन व्यू है इस घर का। अगर आप इस घर को विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको विज़िट करा देगी। और इस घर की जो डिमांड है वो डिमांड इसकी 1,60,00,000 है, लेकिन बार्गेनेबल है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको इस घर का विज़िट कराते हैं।